अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। मैं सूफ़ी अब्दुल लतीफ़। अक्सर मुहर्रम आता है, गुज़र जाता है, 8 दिन तक 10 दिन तक, आने से 8 दिन पहले, जाने के 8 दिन बाद कुछ बहस व मुबाहसा होता है मसलक के नाम पर। जो लोग मसलक के नाम पे अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं, लेकिन किसी को फुर्सत नहीं होती कि मोहब्बत से और इन उलझे हुए दिमागों को सही तरीके से सुलझा कर ताज़िए की सही तारीख बताई जाए। अक्सर जब मुबाहसा होता है तो कहते हैं कि ये तो तैमूर लंग के वक्त से बन रही है, ऐसा ऐसा फला फला वाकया हुआ था। जबकि असल में ताज़िए को अगर लिया जाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में ही एक ऐसी ताज़िया बन चुकी थी जिसको अगर अक्लों से, कुरान कहता है यासीन वल कुरानुल हकीम, कुरान हिकमत से भरा हुआ है और हिकमत सीखने की दावत हर मोमिन हर मुसलमान को कहा गया है। तो अगर हम ये देखें हदीसों में ढूंढें तो एक जिक्र हमें ये मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्रील अमीन आए और एक मिट्टी लेकर आए और आपकी बारगाह में पेश किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये करबला की मिट्टी है। और उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 6 बरस के थे, तो आपने कहा कि ये उस करबला की मिट्टी है जहाँ पर आपके नवासे को, आपकी आल को बेयार व मददगार शहीद किया जाएगा। आप उस मिट्टी को लेकर रोए। देखो हदीस शरीफ में सरकार रोए, अभी हुसैन अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, सरकार रोए, यहाँ रोना साबित है उनके गम में। और रोने से मुराद तो एक दलील हमारे पास ये है, सूफियाना निज़ाम जो है ये मोहब्बत का एक सिलसिला है, तो रोने का जो एक दलील इसके अंदर ये है कि सरकार जो है तो मौला हुसैन जो है तो हयात है उस वक्त, तो आप जो है तो गमगीन हुए, आपके आंसू निकले, आपने उनकी याद में रोया है ना। तो जिस तरह से हम मोहिबान इसको यानी ये दलील देते हैं कि जिस तरह से बकरीद के मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म होता है कि तुम लाखों रुपया मेरी राह में कुर्बान करो, मैं कबूल नहीं करूँगा, लेकिन जानवर की कुर्बानी, जानवर का खून बहाना, ये मुझे कबूल है। तो कोई अमल अल्लाह के नज़दीक उस 3 दिनों के अंदर जानवर का खून बहाने से ज़्यादा काबिल कबूल नहीं है। तो इसी तरह से हम आशिकों के नज़दीक गमे हुसैन इस दिन के अंदर, गमे हुसैन से बड़ा कोई अमल नहीं, क्योंकि यही हमारी बख्शिश का निजात है। तो जब सरकार उस मिट्टी को, जिब्रील अलैहिस्सलाम मिट्टी को आका की बारगाह में पेश किए तो आका गमगीन हुए और आका ने उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अनु को उस मिट्टी को दिया और कहा कि इसे महफूज रख लो। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अनु उस मिट्टी को एक शीशी के अंदर उन्होंने उसे महफूज रख लिया और सरकार का आगे फरमान था कि उम्मे सलमा इस मिट्टी की ज़ियारत करते रहना, जिस वक्त तो ये मिट्टी सुर्ख हो जाएगी समझ लेना मेरे हुसैन को शहीद कर दिया गया। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अनु फरमाती है कि जब हुसैन बड़े हुए यहाँ तक के कम उबेश जो उनकी उम्र मुबारक शहादत तक पहुँची, तो फरमाती है कि एक रोज़ मैं आराम फरमा रही थी, दोपहर का वक्त होता करीब, जो भी दोपहर के वक्तों में वक्तों की जो भी साहत हो उस वक्त, तो मेरे ख्वाब में आकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आपके बाल मुबारक जो है तो उलझे हुए थे, धूल से अटे हुए थे और आपके हाथ में एक शीशी थी, उसमें आप जो है तो खून जमा कर रहे थे। मैंने हैरान होकर पूछा या रसूल अल्लाह माजरा क्या है, तो आपने बताया कि उम्मे सलमा मेरे हुसैन को करबला में शहीद कर दिया गया। और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती है कि जब मैं नींद से बेदार हुई, मैंने उस शीशी को देखा तो वो शीशी पूरी के पूरी खून हो चुकी थी। तो हमारे लिए, हम मोहब्बत वालों के लिए सबसे पहली ताज़िया तो वही थी। ताज़िया बनी किससे है, ताज़िया लफ्ज़ जो किससे बनाए, ताज़ियत से बनाए, किसी चीज़ को देखना। जब उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला उस शीशी को देखती थी तो याद हुसैन अलैहि सलाम आते थे, इसी तरह हम इस ताज़िया को देखते हैं तो याद इमाम हुसैन अलैहि सलाम आते हैं। ये असल मोहब्बत है और ये असल तारीख़ है ताज़िये की। वमा अलैना इल्लल बलाग।